सो गाइस, आज इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एक्शन मूवी पोस्टर एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो गाइस, ऐसा एडिटिंग आप लोग बहुत ही इजीली कर पाओगे एंड मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा गाइस। हर एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा एंड क्लार आप लोग कैसे मैचिंग कर सकते हो बैकग्राउंड के साथ, वो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को फुल्ली देखो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो। और एक बात गाइस, ये 100% न्यू ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को अप्लाई करके आप लोग फोटो एडिटिंग करोगे तो बिल्कुल भी आपका जो क्वालिटी है लॉस नहीं होगा एंड फुल एचडी में फोटो एडिटिंग होगा, सारे चीज़ें फुल एचडी में होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पर फोटो देख सकते हैं आप, मेरे जो फोटो है इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर सकते हो JR Editing Zone Official, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से इस बैकग्राउंड को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आप लोगों को ओपन कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। गाइस कंप्लीट एडिटिंग करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर पहले की तरह, क्योंकि गाइस पिक्सआर्ट ऐप के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एंड बहुत ही हैंग करता है मोबाइल। सो इसलिए गाइस मैं यूज़ करता हूँ ऑटोडेस्क स्केचबुक। तो गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जब आप लोग बैकग्राउंड को ओपन करोगे तो। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, एक ऑप्शन है इसके अंदर प्रेस करना है आप लोगों को, ठीक है। इस ऑप्शन के अंदर और प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा इनपुट इमेज, इसके अंदर प्रेस करना है एंड मॉडल को यहाँ पर इनपुट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। गाइस मैं मेरा नॉर्मल मॉडल को इनपुट कर लेता हूँ, सो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए गाइस। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं नॉर्मल मॉडल को इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है मैं इरेज करूँगा। सो गाइस सबसे पहले तो राइट वाले ऑप्शन के अंदर मैं प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से छोटा करना है थोड़ा सा और उसके बाद गाइस इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों को ऊपर स्वाइप करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंड गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा इस वाले, इसके अंदर प्रेस करना है एंड गाइस सेटिंग को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो नीचे का अमाउंट है इसको आप लोगों को 97 के आसपास रखना है और साइज को अपने मुताबिक से, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, बैक कर लेना है एंड गाइस आप लोगों को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को कर लीजिए इरेज। गाइस यहां पर बहुत ही इजी तरीके से बैकग्राउंड इरेज हो जाता है एंड आप लोग जितना चाहिए जूम कर सकते हो। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना जूम हो रहा है, तो आप लोग एक एक हेयर भी यहाँ पर से आप लोग इरेज कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे करके आप लोग बैकग्राउंड को इरेज कर लीजिएगा। मैं मेरा बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ गाइस। सो कुछ इस तरीके से ही मैं मेरा बैकग्राउंड को इरेज करता हूँ एंड बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को इरेज कर लिया। इरेज करने के बाद गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है, यानी सही पोजीशन में एडजस्ट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर से अच्छे तरीके से फिट कर देना है आप लोग कहाँ पर रखना चाहते हो, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। रखने के बाद गाइस आप लोगों को राइट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को एक PNG को ऐड करना है। PNG को ऐड करने के लिए आप लोगों को फिर से इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को इनपुट इमेज और PNG को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सो मैं मेरा PNG को ऐड कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पर से PNG ऐड कर लेता हूँ मैं। गाइस यहाँ पर मैं PNG को ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हैं गाइस PNG को नीचे कुछ इस तरीके से रखना है। यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से देना है आप लोगों को, ठीक है। देने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच हो चुका है फोटो। और उसके बाद गाइस आप लोगों को राइट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर गाइस हम लोग हेयर को एडिटिंग करेंगे, तो हेयर को एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है फिर से और यहाँ पर आप लोगों को ऊपर स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद गाइस यहाँ पर इस वाले टूल्स को यहाँ पर यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के बाद आप लोगों को सेटिंग के आइकन के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से रखना है सेटिंग और उसके बाद साइज को अपने मुताबिक से रखना है एंड जूम करिए फोटो को कुछ इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है गाइस। यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है एंड मॉडल के अंदर प्रेस कीजिए और कुछ इस तरीके से बना लीजिए हेयर को, ठीक है। बहुत ही ईजिली बन जाएगा हेयर कुछ इस तरीके से। सो गाइस ऐसे करके आप लोग हेयर भी बना सकते हो फोटो का एंड जो ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए गाइस मैं पिक्सआर्ट का यूज़ कभी नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लीजिए एंड आपका जो एडिटिंग है कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब बारी आती है यहाँ पर गाइस फेस को स्मूथ करने की एंड और एक PNG लगाना है जो यहाँ पर मैं सिर पर लगाया था। तो गाइस मैं सबसे पहले फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है।
फेस को स्मूथ करने के लिए इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रश है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी यहाँ पर एक ब्रश है इस वाले ब्रश, और सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को सेटिंग को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से रखना है साइज को अपने मुताबिक से, और गाइस कुछ इस तरीके से जूम करिए फोटो को। जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को देना है, ठीक है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। देने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से देना है पहले गाइस, और मैं अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। फेस को आप लोगों को सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर स्मूथ करना है, तभी जो फोटो है रियल लगेगा एंड एचडी में फ़ोटो होगा एडिटिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं फेस को स्मूथ कर लेता हूँ गाइस, और जो यहाँ पर हैन है इसके अंदर भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ मैं। और स्मूथ हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को सिर पार्ट जो मैं एक पट्टी लगाया था उसको यहाँ पर इनपुट कर लेता हूँ। सो गाइस इनपुट करने के लिए आप लोगों को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर, सॉरी इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और इनपुट इमेज, और उसके बाद गाइस यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगा एंड मैं सिर पर जो यहाँ पर चीज़ें हैं यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो आप लोगों को लगा लेना है गाइस कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद आप लोगों को राइट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस कर देना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एडिटिंग जो है कम्प्लीट हो चुका है। एंड हम लोग सिर्फ कलर रिडक्शन करेंगे लाइट मैप के अंदर। गाइस इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद थोड़ा सा रियलिस्टिक डालने के लिए मैं लाइट मैप के अंदर ओपन कर लूँगा गाइस। और एक बात, यहाँ पर जो टेक्स्ट था मैं इसका लिंक नहीं दिया, क्योंकि गाइस आप लोग खुद ही क्रिएट कर सकते हो अच्छे अच्छे टेक्स्ट, एंड यहाँ पर आप लोग कोई सा भी टेक्स्ट लगा सकते हो। जैसे कि मैं मेरा फोटो के अंदर लगाया था JR का पावर, सो ऐसा कुछ आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं लगाऊँगा क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, सो मैं सेव कर लिया फोटो को एंड लाइट मैप के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पर सिर्फ रिटचिंग करूँगा एंड कलर को मिक्स करूँगा फोटो के एंड बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो पहला वाला ऑप्शन है ऑटो वाला, इसके अंदर प्रेस कर देना है एंड ऑटोमेटिकली हाईलाइट शेडो एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद गाइस आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है, और यहाँ से मिक्स वाले टूल, और गाइस यहाँ पर बहुत सारे कलर मिल जाएगा। जो जो कलर आप लोगों के शर्ट के अंदर, हेयर के अंदर है, फेस के अंदर है, उसी कलर को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि गाइस मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ पहले एंड सेचुरेशन को हाई कर देता हूँ। हाई करने के बाद थोड़ा सा ही को माइनस की तरफ कर दूंगा, और उसके बाद गाइस येलो कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर दूंगा। एंड जो यहाँ पर ऑरेंज कलर है उसका भी सेचुरेशन को माइनस की तरफ, और जो यहाँ पर लेमुलेशन है उसको थोड़ा सा हाई करूँगा मैं, ठीक है। हाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली डन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी को हाई कर देना है। हाई करने के बाद गाइस बिगनेट को माइनस की तरफ कर दीजिए एंड आपका जो फोटो है रेडी हो जाएगा गाइस। सो यहाँ पर स्मूथ डालने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा शार्पनेस को हाई कर देना है एंड नॉइस रिडक्शन को हाई कर देना है, और गाइस आपका जो एडिटिंग है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं गाइस बिफोर एंड आफ्टर बैकग्राउंड के साथ मैच हो चुका है। सो ऐसे करके आप लोग मूवी पोस्टर एंड एक्शन मूवी पोस्टर बना सकते हो। सो गाइस आज के लिए तो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करना। सो बाय बाय।